हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी आपको मैं बताऊं कि आज की तारीख है 14 मई 2022 और अभी टाइम होगा, आप देखोगे 11 बजने वाले हैं। और 11 बजे जो अभी का टेम्परेचर है ना, अभी का टेम्परेचर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो कि अभी 40 डिग्री 39 डिग्री हो गया है। और जो आज का पर्सपेक्टिव है 45-46 डिग्री का है। तो भाई इतनी जो गर्मी हो गई है, इस गर्मी में तो क्या बताएं कि गाड़ी का क्या हाल हो जाता है अंदर खड़े खड़े। ना जब धूप में खड़ी हो जाती है तो गाड़ी के अंदर तो ऐसे लगता है कि क्यों बैठ गए, एक तरीके से जैसे किसी को सजा देनी हो ना। तो आई थिंक तो ऐसे लगता है कि आज के टाइम में अगर किसी को आपको कोई सजा देनी है तो उसको जब गाड़ी धूप में खड़ी हुई है तो उसके अंदर बैठा दो। वो आप उसको कुछ मत कहो, बस उसको धूप के अंदर बैठा दो, वो बेचारा बंदा परेशान हो जाएगा, जल भुन के ना कहते ऐसा हो जाएगा भयंकर। तो अभी क्या है कि इस चीज के लिए ना जो सबसे बेस्ट आई थिंक सॉल्यूशन है, और तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, वो है सनशेड्स का। तो सनशेड्स लेते हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि एक तो ये गाड़ी वैगनार है, दूसरा आपको बताओ एक तो गाड़ी वैगनार, इसका ना एसी भी इतनी ज्यादा कूलिंग तो खैर नहीं करता जो मैं आपको बताऊं। और अभी तो केवल मई चल रहा है और अभी जून जुलाई, दो महीने जून जुलाई की जो बिल्कुल पीक वाली गर्मी होती है वो हो गए। तो अब एक बार जगह वो देखते हैं कि भाई सनशेड्स लेते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि सनशेड्स कितने के पड़ते हैं हमें। अच्छा, तो सनशेड्स का एक मैं आपको बताऊं तो एक ना काफ़ी लोगों के मन में एक ये भी डाउट रहता है कि सनशेड्स का चलान है। तो चलान का भाई मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बिल्कुल जेड ब्लैक वाले आपके सनशेड आते हैं उनका चलान है, या फिर उनका चलान नहीं है जो बिल्कुल जो थोड़े से 50% वाले आते हैं मैश वाले। तो चलान तो दोनों का ही है, ऐसा नहीं है कि जेड ब्लैक का ही है उनका नहीं है, चलान आपको दोनों का ही पड़ेगा। और चलान भी कोई वो छोटा मोटा नहीं है, करीब 10,000 रुपये के आसपास का चलान है, आई थिंक 10,000 रुपये का ही चलान है। तो उसका भी एक सोल्यूशन एक बार देखते हैं क्या है, क्योंकि मेरे को जो सनशेड चाहिए मेरे को ना गाड़ी चलाते टाइम के लिए नहीं चाहिए, जब गाड़ी खड़ी कर देता हूँ ना, क्योंकि मेरे जो ऑफिस की जो पार्किंग है वहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि वहाँ पे बिल्कुल धूप में गाड़ी खड़ी होती है। तो वहाँ के लिए चाहिए कि जब ऑफिस में गाड़ी खड़ी करूँ तो सुबह के टाइम लगा दूँ और शाम को उनको हटा दूँ, ताकि शाम को जब आऊँ तो गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म ना हो। तो पहले तो सनशेड लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसके चलान की कि क्या चलान का सीन है और क्या नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ था, एक पुलिस वाले भाई मेरे को मिले थे, तो मैंने उनसे बात करी थी, तो उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था। तो ये सामने शॉप है, एक बार इससे सनशेड लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं और कितने रुपए के सनशेड पड़ते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो एक बार सनशेड लेते हैं, फिर उसके बाद सनशेड लगा के फिर बात करते हैं आपसे। तो भाई सनशेड्स मैंने ले लिए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कौन से वाले लिए हैं। तो मैंने जो सनशेड्स लिए हैं वो हैं ये वाले, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये ना बाहर से दिखा देता हूँ कि गाड़ी में कैसे लगते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने सनशेड्स लिए हैं ना, ये बिल्कुल ब्लैक वाले लिए हैं, जो बिल्कुल जेट ब्लैक आते हैं, और बिल्कुल जो ये फिटिंग वाले आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की फिटिंग वाले हैं सनशेड्स। और तो आगे वाले क्या है कि ये आगे वाले तो बिल्कुल हाफ वाले हैं, इससे क्या होगा कि आगे के जो मैं ORVM से अपना बाहर की देख सकता हूँ कि क्या है, मेरा क्या है कि व्यू बिल्कुल भी ना बंद नहीं होगा। तो अब मैं बताता हूँ जो मैं आपको बता रहा था इसके चालान की। तो चालान की बात ऐसी है कि मैंने पता किया था तो वो ये बता रहे थे, देखो ये सनशेड चाहे हाफ वाले हों, जाली वाले हों, या बिल्कुल जेट ब्लैक हों, तो चालान तो आपका इनके ऊपर है ही, और वो भी चालान छोटा मोटा नहीं है, वो चालान है जो वो पूरा 10,000 रुपये का चालान है। तो इससे बचने के लिए तो ये मैंने तो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए लिया है, क्योंकि मेरे को क्या है ना, मेरे को तो इस पर्पज़ के लिए चाहिए कि क्योंकि जहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ पार्किंग में, वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल गाड़ी धूप में खड़ी होती है, तो इस वजह से मैंने लिया है। क्योंकि क्या होता है कि धूप में अब कम से कम ये है कि मैं शाम सुबह इनको लगा दूंगा और शाम को इनको हटा दूंगा, तो अब कम से कम ये रहेगा कि जब मैं शाम को आऊँगा गाड़ी के अंदर तो कम से कम इतनी गर्म तो नहीं मिलेगी जितनी पहले गर्म होती थी। और आपको अगर मैं बताऊँ तो ये देखो विंडो भी पूरी काम कर गई है, ऐसे ही यहाँ की विंडो भी काम करेगी देखो। तो आपका कुल मिला के ये, तो मैंने पता किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई जो आजकल बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं जैसे क्रेटा है या किया सेल्टोस है, तो उसके अंदर ना तो कंपनी फिटेड ही आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो कंपनी फिटेड आते हैं वो पीछे वाले दरवाजे के आते हैं, आगे वाले दरवाजे के नहीं आते।
तो एज पर गवर्नमेंट रूल, तो वो ये कहते हैं कि जो आगे की ड्राइवर साइड की वो है सीट, उस पर कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि सामने से अगर कोई आ गया या साइड से कोई देखना चाहे तो ड्राइवर साइड पूरा ड्राइवर उसको दिखना चाहिए आगे की दोनों सीटों पे कौन बंदा बैठा है कौन नहीं बैठा और किस तरीके से पोजीशन में बैठे हैं, क्योंकि सीट बेल्ट का भी कुछ सीट बेल्ट का भी इशू होता है कि उन्होंने सीट बेल्ट लगाई नहीं लगाई है, अगर बिल्कुल वो जेड ब्लैक कर देंगे तो साइड से ना आपको दिखेगा भी नहीं कि उन्होंने सीट बेल्ट लगा की है ना नहीं लगा की, तो इस वजह से इनका ना जो है वो तो है फिर चलान। और फिर मेरे को क्या था कि पीछे वाली विंडो है वो उसके 50% वाले हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या है फिर वो जेड ब्लैक ही ले लिया, क्योंकि मुझे तो पार्किंग के पर्पस के लिए चाहिए वैसे नहीं चाहिए। तो आपको मैं बताऊँ अगर साइड से दिखाऊँ तो साइड से कुछ इस तरह की लगती है मेरी गाड़ी, अब जो गाड़ी लगी है वो कुछ इस तरह की लगी है। तो कुल मिला के ये है कि अब थोड़ी सी लुक भी ठीक हो गई है आप देखोगे तो। चालान का तो ऐसा है कि मेरा तो जब मेरे को गाड़ी चलानी है तब मेरे को ये लगानी नहीं है, ओनली जब गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी है तब लगाने, तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं चाहे बिल्कुल जेड ब्लैक वाले हों चाहे कोई से भी हों। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।